दूसरा इस टेस्ट के माध्यम से हम अपनी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने बच्चे की पर्सनैलिटी अगर पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कैसा है। अगर आपको, अगर आपके स्पाउस की, मतलब अगर आपके वाइफ की या आपके हस्बैंड की अगर पर्सनैलिटी आपको पता चल जाए तो आपको, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आपके हस्बैंड कैसे हैं, आपकी वाइफ कैसे है। तो जो प्रॉब्लम जो दोनों के बीच में होते होंगे नहीं, डिवोर्स होगा नहीं, रिलेशनशिप इशू होंगे नहीं, कि आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी मिसेज ऐसी है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, वो ऐसे है तो ऐसे है, दैट्स इट। तो ये जो फर्स्ट पर्सनैलिटी आपको दिखाई दे रहा है, इज द पर्सनैलिटी। अब ये पर्सन होते कैसे है, ये इमोशनल पर्सन होते हैं। मैंने अपने रिसर्च में देखा है, मेरे पास बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं, मैंने देखा है कि जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, ये जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनमें यही कैटेगरी के लोग होते हैं, दैट इज द कैटेगरी, अफेक्टिव कैटेगरी। मतलब इनके ऊपर दूसरों के बोलने का बहुत ज्यादा असर होता है, वो अपने माइंड में किसी ने कुछ बोल दिया तो पकड़ लेते हैं। और ये लोग जो होते हैं इनको शेयर करना बहुत जरूरी होता है, अगर ये लोग शेयर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली अपने अंदर ही अंदर गुट्टे चले जाते हैं। ये लोगों में रहने वाले लोग हैं, मतलब ये फ्रेंड सर्कल में रहने वाले लोग हैं, ये माता पिता से ज्यादा दोस्तों को ज्यादा वैल्यू देंगे, दैट इज द पर्सनैलिटी। ये हार्ड वर्कर्स होते हैं, इन्हें कंफ्लिक्ट पसंद नहीं होता, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इस प्रकार से हम अफेक्टिव पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अगर हमें पता चल जाए कि हमारा बच्चा कैसा है तो डेफिनेटली हम उसके उस तरीके से रह सकते हैं। ये जो अफेक्टिव कैटेगरी होती है इनको क्रिटिसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर चार बच्चों के सामने, चार लोगों के सामने अगर आप इनका इंसल्ट कर देते हैं तो ये बहुत बुरा मानते हैं। इस कैटेगरी के लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, अच्छे नेचर के होते हैं, सिंपल लोग होते हैं। मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा अफेक्टिव कैटेगरी का है तो ऐसे बच्चों को आपको अच्छे एनवायरनमेंट में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी एनवायरनमेंट के बन जाते हैं, इसी एग्जाम्पल को अफेक्टिव बोलते हैं। सेकंड कैटेगरी ईगल। ईगल जो कैटेगरी है ये ऐसी कैटेगरी है कि इनको अकेला रहना पसंद है, अपने ही विचारों के साथ चलना पसंद है, इन्हें किसी का परामर्श ना बिल्कुल पसंद नहीं। इसका उल्टा डॉग कैटेगरी में ये लोग अपनी हर बात शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, कोई चीज करने से पहले चार लोगों से डिस्कस करेंगे, पूछेंगे ये करूं क्या नहीं करेंगे। लेकिन ईगल ये ऐसा कैरेक्टर है, ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने हिसाब से काम करेगा, उसको डोमिनेटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर कोई इसको डोमिनेट करना चाहता है, अगर कोई इसको डोमिनेट करता है तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसको गुस्सा आता है। और ये ईगल टाइप के लोग जो है नेचुरल अचीवर होते हैं, वो अपने लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हो, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ईगल ये लोग रिस्क टेकर होते हैं, उसका उल्टा डव कैटेगरी के लोग ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले लेते, वो रिस्क लेने के लिए डरते हैं। और ईगल जो होता है ना वो रिस्क ज्यादा लेता है, इसलिए कभी कभी वो हाई रिस्क में फंस जाते हैं। तो ये ईगल कैरेक्टर के लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, स्टबर्न होते हैं, अगर एक चीज अगर उन्हें डिसाइड कर ली तो वो अगर कोई चीज फिक्स कर देते हैं तो उससे वो बिल्कुल नहीं हटते, वो करके उसको छोड़ते हैं, इस तरीके से ईगल कैरेक्टर होता है। ये जो तीसरा कैटेगरी है पीकॉक, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, आप देखे होंगे बहुत बात करते हैं, एक बात बोलेंगे कंटिन्यू बोलते रहते हैं, ये पीकॉक कैटेगरी में आता है। इनको पता है कि एंजॉय करना पसंद है, वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, बस एंजॉय करना, लेकिन बहुत सोशल होते हैं। उसके बाद ये अउल कैटेगरी, ये ड्यूअल माइंडेड होता है, मतलब ये हर चीज को डबल तरीके से सोचता है। मतलब अगर ऐसे लोग, अगर समझो मान लो शॉपिंग को चले गए और अगर शॉपकीपर बोलता है कि 1000 की चीज है, 1500 की चीज है, तो उसी में ये सोचता रहेगा क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा। और ये जो लोग होते हैं ना मल्टीटास्कर होते हैं, एक साथ बहुत सारे काम करेंगे, आपने देखा होंगे बहुत सारे लोगों को एक साथ ये भी करेगा वो भी करेगा, और ऐसे लोगों के ऊपर ऑलवेज ब्लेम होता है कि ये कोई चीज करता ही नहीं, बहुत सारी चीजें करते रहता है। एक्चुअली ये मल्टीटास्कर होता है, इसको बिजी रहना पसंद होता है, ये बहुत इमोशनल होता है,
और इनको है ना एकांत रहना ज्यादा पसंद है। अगर एकांत नहीं रहेगा ना तो इसे बहुत गुस्सा आता है। अब ये पर्सनैलिटी इसलिए पता करना इंपॉर्टेंट है कि मान लो अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, मान लो कि वाइफ की पर्सनैलिटी डव है और हस्बैंड ईगल है। अब डव जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहता है, उसको एंजॉय करना पसंद है, घूमना पसंद है, दोस्तों में जाना पसंद है, ईगल को जाना पसंद नहीं। अब वाइफ बोलती है घूमने चलो, ईगल बोलता नहीं, इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये प्रॉब्लम कहा जाती है डिवोर्स तक, इसी के वजह से रिलेशनशिप इश्यू होते हैं। मतलब एक चाहता है अकेला रहना, दूसरा चाहता है कि घूमने जाना, एक चाहता है रिस्क लेना, एक चाहता है रिस्क नहीं लेना, एक एडजस्टमेंट कर सकता है, एक एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं। एक को दोस्तों के साथ रहना पसंद है, एक को दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं। तो इसी चीजों की वजह से प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन अगर ये टेस्ट करते हैं, अगर पता चल जाता है कि भाई मेरी मिसेज ऐसी है, मेरे हस्बैंड ऐसे है, तो आप उसको ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से इस पर्सनैलिटी के माध्यम से हम अपना एक हम अपने बिजनेस पार्टनर को समझ सकते हैं, अपने स्पाउस को समझ सकते हैं, अपने बच्चे को समझ सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा कैसा है, अफेक्टिव है, ईगल है, आउल है या पीकॉक है, तो उनके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, ये आपको इस चीज के माध्यम से पता चलेगा। सो देन आगे जाके बच्चे और माँ बाप के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आते, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आते, एक बिजनेस पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट।